दूरदर्शक, दूरदर्शी, दूरबीन, अपवर्ती वाली, परावर्ती अपवर्ती दोनों तरह के होते हैं। दूर स्थित वस्तुओं को नजदीक करके बड़ा करके दिखाने वाला, क्योंकि दूर की वस्तुएं हमारी आंख पर छोटा दर्शन कोण बनाती हैं, इसलिए छोटी दिखाई पड़ती हैं। जैसे ये एक अपवर्तक दूरदर्शी का किरण आरेख बनाया गया है। दो लेंस हैं, अभिदर्शक, ऑब्जेक्टिव लेंस, नेत्रिका लेंस, आई लेंस। बहुत दूर मिलाया नहीं है इसको, क्योंकि बहुत दूर है, अनंतता पर वस्तु है, ए बी वस्तु। बहुत दूर से वस्तुएं से किरणें आपस में समांतर फोकस तल में केंद्रित होंगी, फोकस पर मुख्य अक्ष के लंबवत तल, ए डैश बी डैश, ये प्रतिबिंब बन गया। ये किरण आ रही है ऐसे सीधी आगे गुजारेंगे, या नेत्रिका लेंस है। नेत्रिका लेंस उत्तल लेंस ही है, मुख्य अक्ष की ओर को मोड़ेगा, आंख है यहां से देखेंगे। तो प्रतिबिंब बनाने का तरीका हुआ कि पहले ये जहां प्रतिबिंब बनेगा यहां से डॉटेड लाइन ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशी केंद्र से सीधी पहले बढ़ा देंगे पीछे, और जहां भी हमें प्रतिबिंब बनाना है इसके पीछे बड़ा कहीं भी बना दीजिए, इसके पीछे बड़ा कहीं भी, जैसे ए डबल डैश बी डैश, यहां हमें प्रतिबिंब बनाना है। तो इस नॉक को यहां से मिलाते हुए स्केल रखेंगे, और बिल्कुल इधर डॉटेड इधर डार्क, इधर डॉटेड इधर डार्क। अभी दर्शक लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो इसके फोकस पर होगा एफ ओ, और ये जो प्रतिबिंब है यहां से इसकी दूरी को यू ई मान लेते हैं नेत्रिका लेंस से, इसके लिए वस्तु का काम करेगा, और यहां से इसका प्रतिबिंब वी ई पर बनेगा। आवर्धन क्षमता का मतलब होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो प्रतिबिंब द्वारा ये बीटा कोण बन रहा है, प्रतिबिंब है यहां, आंख समीपी मानी होगी, बीटा कोण बटे अल्फा। अल्फा का निर्धारण ऐसे करते हैं, दूर स्थित वस्तु है यहां से किरण आ रही है, ये कोण अल्फा होगा, ये कोण अल्फा होगा, क्योंकि ये लंबाई कम है, ये किलोमीटर में हो सकती है, ये मात्र सेंटीमीटर में होती है। तो यहां ये अल्फा है, तो यहां से टेन अल्फा लंब बटे आधार, ऐसे करके टेन बीटा ए डैश बी डैश बटे ए डैश ई, और टेन अल्फा ए डैश बी डैश बटे ए डैश ओ। ये कैंसिल हो गया, ये बच गया, चिन्ह सहित मान रख दिए, माइनस एफ ओ बटे एफ ई, सामान्य फॉर्मूला हो गया आवर्धन क्षमता का। और दूरदर्शी की लंबाई यहां पूरी ये होगी, दूरदर्शी की लंबाई अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस के मध्य की दूरी, यहां से एफ ओ है और ये दूरी है यूई है, तो एफ ओ जमा यूई। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर बने उसे श्रांत नेत्र के लिए कहा जाता है। अंतिम प्रतिबिंब अनंतता पर तभी बनेगा जब ये प्रतिबिंब इस लेंस के फोकस पर होगा, मतलब यूई का मान एफ ई होगा। तो आवर्धन क्षमता माइनस एफ ओ बटे एफ ई। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, इसका मतलब वी का मान माइनस डी बाई ओर ही है, यू का मान माइनस यूई, वन अपॉन यूई का मान निकाल लिया है, और वन अपॉन यूई का मान जनरल फॉर्मूले माइनस एफ ओ बटे एफ ई में रख दिया गया है। माइनस एफ ओ बटे एफ ई, माइनस एफ ओ बटे एफ ई वन प्लस, ये वन प्लस एफ ई अपॉन डी। किरण आरेख इस तरीके से बनाएंगे, समांतर किरणें फोकस तल में केंद्रित होंगे, ये फोकस दूरी हो गई इसकी, और ये इसके फोकस पर होना चाहिए, तभी अनंतता पर प्रतिबिंब भेजेगा ये, क्योंकि फोकस वाली वस्तु का प्रतिबिंब अनंतता पर। तरीका बनाने का यही है, इन डार्क लाइन को सीधे बढ़ा दीजिए।
और यहां डॉटेड लाइन खींचिए पहले, और इसके पैरेलल ये किरण यहां आ रही है तो इसके पैरेलल यहां से पैरेलल होनी चाहिए ये लाइनें, ये सब पैरेलल होंगी, ये भी पैरेलल होंगी। तो ये आ रही है इसके पैरेलल यहां से, ये आ रही है इसके पैरेलल यहां से अनंतता पर। परावर्ती दूरदर्शी जिसमें प्रकाश परावर्तन की क्रिया के माध्यम से दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नजदीक बड़ा करके दिखाता है। यह है कैसेग्रेन परावर्तक दूरदर्शी। ये एक तरह से पाइप है होलो, यहां एक अवतल दर्पण लगा है, बीच का भाग कटा हुआ है, यहां एक उत्तल दर्पण लगा है, ये द्वितीयक दर्पण है, ये विदर्शक अवतल दर्पण बड़े साइज का। तो अनंतता से इधर प्रकाश की किरणें आई, ये छोटे साइज का है, ये पूरा बड़ा साइज है। ये किरण यहां से आई परावर्तित हुई, यहां से फिर परावर्तित हुई, किरण आई परावर्तित हुई परावर्तित हुई, और यहां ऑब्जेक्टिव लेंस है नेत्रिका लेंस। तो नेत्रिका लेंस ये भी कन्वर्जिंग है, तो इन किरणों को ऐसे मोड़ेगा और प्रतिबिंब अनंतता वाली वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना देगा, तो बड़ा दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही ये एक दूसरा है न्यूटोनियन, इसे कहते हैं न्यूटोनियन परावर्ती दूरदर्शी, बड़े साइज का अवतल दर्पण है, अनंतता से वस्तु समांतर किरणें आ रही हैं, फोकस पर केंद्रित होंगी, तो फोकस तल में केंद्रित होने से पहले ये किरण यहां आ रही हैं, आगे चलकर ये यहां केंद्रित होती, यहां प्रतिबिंब बनता, इसका प्रतिबिंब ये बनता वास्तविक, अगर ये सब नहीं बनाया होता। तो मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते समतल दर्पण है, ये किरण जितने कोण पर आएगी उतने पर परावर्तित होगी, ये किरण जितने कोण पर आपतित होगी उतने पर परावर्तित होगी, और ये दोनों किरणें नेत्रिका लेंस है। पीछे ये बड़ा जैसे फोकस के अंदर वस्तु होती है तो बड़ा सीधा प्रतिबिंब बनता है, यहां से पीछे नेत्रिका ये द्वारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ये मुड़ेंगे तो ऐसे वास्तविक प्रतिबिंब ये होगा, और ये इसके फोकस के अंदर होगा, ठीक फोकस पर होगा तो अनंतता पर बनेगा, फोकस दूरी वही एफ ओ बटे एफ सी। परावर्ती दूरदर्शी इसमें प्रतिबिंब अपेक्षाकृत अधिक चमकीला बनता है। कवलूर तमिलनाडु में 2.34 मीटर व्यास का कैसेग्रेन परावर्ती दूरदर्शी है, सबसे बड़ा 10 मीटर व्यास का यूएसए में है। आवर्धन क्षमता एफ ओ बटे एफ सी। परावर्ती दूरदर्शी में प्रकाश का अवशोषण बहुत कम होता है, अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में प्रतिबिंब चमकीला बनता है, ज्यादा किरणें आएंगी तो प्रतिबिंब चमकीला बनेगा। बड़े साइज के उत्तल लेंस ढालना कठिन होता है, दर्पण कलई करके धातु के बनाए जा सकते हैं, ये परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं हैं अपवर्ती दूरदर्शी के मुकाबले। परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता अपवर्ती दूरदर्शी की तुलना में बहुत अधिक की जा सकती है, बहुत बड़े साइज का बहुत फोकल लेंथ का अभिदर्शक दर्पण लगाया जा सकता है। परावर्तन की क्रिया में प्रकाश पारदर्शी माध्यम से नहीं गुजरता है, तो वर्ण विपतन और गोलीय विपतन एक और दोष होते हैं, ये दोष नहीं होते हैं अपवर्ती दूर परावर्ती दूरदर्शी में नहीं होते हैं। परवलय आकार दर्पण का इस्तेमाल करके गोली विपतन के दोष को भी दूर किया जा सकता है। लेंस दर्पणों की गोली आकृति के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रंगीन और अस्पष्ट बनता है, रंगीन और अस्पष्ट, कलर्ड ब्लर्ड होता है,
कलर्ड एंड ब्लर्ड, रंगीन और अस्पष्ट बनता है। इस दोष को हम गोली विपतन का दोष। तो परावर्ती दूरदर्शी में नहीं होता है, ये नेग्लिजिबल होता है। परवलयकार बनाकर आसानी से दूर किया जा सकता है।